talking about the educational issues, and we were talking about ke Pakistan mein jo ek issue ye bhi hai, one issue ye bhi hai ke aapke jo teachers hain wo unki vast majority yani 43% is survey ke mutabik jo hai, is survey ke mutabik jo hai ye aapke 43% ke kareeb jo teachers hain they are yet to be trained. To agar teacher trained nahi hoga to that's very difficult. Acha phir aa jaye ji ke importance of education kya hai. It's an important factor for development. Development ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट का, ठीक हो गया, तरक्की के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक हो गया, एजुकेशन. और डेवलपमेंट जो है ना वो दो किस्म की है, एक आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होती है और दूसरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है, ठीक हो गया. एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है और दूसरी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक हो गया. तो ये जो हमारे जैसे जो ममालिक होते हैं ना, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं या सोसाइटीज जो डेवलप हो रही होती हैं, डेवलपिंग सोसाइटीज, तो यहाँ पर अमूमन जो है जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है ना उसको ज्यादा लोग समझते हैं कि शायद ये डेवलपमेंट है. हालांकि यस, दैट इज ऑल्सो डेवलपमेंट एंड दैट इज मोर विजिबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट. लेकिन जो ड्यूरेबल डेवलपमेंट है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें दोनों चीजें हैं, ठीक हो गया, बोथ इसमें जो है उसमें एस्पेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट भी और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी है, ठीक हो गया. इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट, इट बिल्ड्स द नेशन. ये जो नेशन बिल्डिंग जो प्रोसेस है ना, वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक चीज नहीं है नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, बट रादर बोथ जो है वो उसका हिस्सा है, यानी ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. इट एनहांसेस ह्यूमन स्टेटस, ये ह्यूमन स्टेटस को एनहांस करती है एजुकेशन, यानी ह्यूमन स्टेटस को इनहांस करती है आपकी एजुकेशन. इन डेवलप्ड सोसाइटीज जो है इट्स नॉट द मटेरियल अलोन दैट मैटर्स, इट्स ह्यूमन जो एक्शंस हैं, ह्यूमन जो उसके जो एक्शंस और रिएक्शंस हैं उसके बेस पे जो है वो हाउ अ पर्सन लाइक ट्रीट, हाउ अ पर्सन ट्रीट्स अदर, कैसे वो और लोगों को ट्रीट करता है, एक्शन क्या है, उसके रिएक्शन क्या है. और यानी स्टेटस जो है ना वो प्राइमरली इंसान का डेवलप्ड सोसाइटी में दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ हिज और हर एजुकेशनल वैल्यू वन कैरीज, ना कि उसने कितने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं या कितने ब्रांडेड जूते. वो अच्छी बात है, लेकिन असल चीज जो है वो आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है. इट्स अ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, नॉट इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमारे यहाँ जो है ये एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक फॉर्मल एजुकेशन के प्रोसेस तक जो है वो कन्फाइन रहती है, ठीक हो गया. इन एजुकेशन जो है हमारे यहाँ इट्स ज्यादा से ज्यादा टिल दी completion of a degree or a certification जब हो जाए तो यहाँ तक जो है वो confined रहती है. हालांकि that's the जिसको आप कह सकते हैं कि that is the end of formal education, but that is the beginning of a long process and that is of informal education. तो ये informal education जो है ना वो हमारी start हो जाती है और वो पूरी जिंदगी जो है वो जारी रहती है. डेवलप्ड सोसाइटीज में ऐसा ही है, इन हम कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ
combination of both, like combination of जिसको आप कहें कि combination of formal and informal education. Education जो है, it's a permanent and precious and permanent property. ठीक हो गया? ये एक precious property है किसी भी human के पास. ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसका कोई वेट नहीं है, इसको कोई आपसे चुरा नहीं सकता. एंड यू कैन टेक इट अलोंग एनीवेयर, लाइक इसका कोई वेट नहीं है. आप जिधर भी जाते हैं, आपका इल्म, आपका हुनर, वो जो है वो हमारे साथ ही जाता है और ये हमारी हिफाजत करता है. ये हमारी मुस्तकिल दौलत है. इवन इंसान मर भी जाते हैं तो उसके नाम से जो है वो याद की जाती है कि ये क्रिएशन है फलां की, ये फलां का जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटेड नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है. इट्स दी इंस्ट्रूमेंटल टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज. ये एक मुस्बत तब्दीली जो है, मुस्बत तब्दीली लाने में भी जो है ये मोविन होता है. ठीक हो गया? ये मुस्बत तब्दीली जो है वो लाने में जो है ये मोविन होता है. ठीक हो गया? इट ब्रिंग्स, अगर ये मुस्बत तब्दीली नहीं, लाइक अगर ये मुस्बत तब्दीली जो है वो नहीं लाएंगे, तो मुस्बत तब्दीली अगर नहीं आएगी तो फिर मुस्बत तब्दीली अगर तालीम हम में नहीं लाती, मुझ में और आप में, तो फिर ये एजुकेशन जो है ये वो एक पर्पस जो है ना एजुकेशन का, वो सर्व नहीं होता उस तरह. ठीक हो गया? हाउएवर आर एजुकेशन सिस्टम फेल टू प्रिपेयर यूथ फॉर चैलेंजेस. हमारा जो एजुकेशन का निजाम है ये यूथ को जो चैलेंजेस, जिस तरह आप सारे लोग नौजवान हैं, तो क्या हमारी जो एजुकेशन है, क्या वो यूथ को तैयार करती है कि वो उनके चैलेंजेस जो हैं वो क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउ टू डील विद दी चैलेंजेस, जिंदगी के जो चैलेंजेस है उसको जो है वो कैसे जो है डील जो है वो कैसे किया जाए. एंड विदाउट एजुकेशन नो नेशन कैन कम्पीट. लाइक एजुकेशन इज अनदर लाइक यार्ड स्टिक दैट सेट्स द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन और अमंगस्ट द नेशंस. ठीक हो गया? कि जो कौमों के दरमियान में एक जो आपका कॉम्पिटिशन जो है, कॉम्पिटिटिवनेस जो है, वो उसको जो है वो इनिशिएट करती है. एनरोलमेंट लेवल एंड इन प्राइमरी स्कूल्स, अगर 2015 में इट वाज प्राइमरी लेवल पे जो एनरोलमेंट थी स्कूल्स में, दैट वाज 67%, और बाद में 2020 में वो रिड्यूस होके जो है दैट जो है 64% पे आ गई. तो ये इन्हें 3% जो है उसमें नीचे की तरफ चली गई. आबादी आपकी हर साल 6.3 मिलियन आबादी जो है वो बढ़ रही है, 6.3 मिलियन आबादी जो है वो आपकी बढ़ रही है, लेकिन अगर आपके 5 सालों में 3% जो है वो आपकी नेट एनरोलमेंट ही प्राइमरी लेवल पे डाउन आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो आबादी बढ़ रही है उसमें से भी आपका ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, और इनमें जो ऑलरेडी स्कूल में बच्चे जा रहे थे तो वो भी आपके जो है रिड्यूस हो गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं एट प्राइमरी लेवल. पंजाब और बलूचिस्तान ने ये कहा कि जी हमने तो अपनी जो रेशो है 70% और 56% पे जो है वो कायम रखी है, लेकिन सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा कि हमारी जो नेट एनरोलमेंट है प्राइमरी लेवल पे दैट हैज बीन लाइक नोटिस्ड डाउनवर्ड्स, और वो 61% से 55% पे हो गई. तो सेम की 61 से 55 जो है तो ये तकरीबन 6% यहाँ पे कम हो गई, और केपी में जो है वो 71 से 66, तो 5% जो है वो आपकी यहाँ पे हो गई. ठीक हो गया? और इसका सोर्स जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब का आर्टिकल है जो मैंने नीचे जो है वो मेंशन किया हुआ है. पाकिस्तान में जो
यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, असल में यूनिवर्सिटीज का जो बुनियादी काम होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता कि हम सर्टिफिकेशन करें या डिग्रियां बांटें। असल में डेवलप वर्ल्ड में लोग जो यूनिवर्सिटीज में लोग जाते हैं ना, तो यूनिवर्सिटीज में लोग प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, यानी दे गो विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जिसको आप कहते हैं, ठीक हो गया, वो प्रॉब्लम लेकर जाते हैं। हम किताबें लेकर जाते हैं और कौन सी, वही पुरानी वाली नोट्स लेकर जाते हैं, ठीक हो गया। तो दैट्स नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस, वो पर्पस जो है वो शायद सर्व नहीं कर पाते। लोग अपने प्रॉब्लम्स जो है मुआशरे के उसको लेकर जाते हैं, ठीक हो गया। पीपल लाइक टेक देयर प्रॉब्लम्स टू द यूनिवर्सिटी कैंपसेस एज अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उसको जो है वो लेकर जाते हैं और फिर उसका हल ढूंढने की अपनी रिसर्च वर्क में व्हाट दे डू रिसर्च वर्क में दे ट्राई रिसर्च वर्क में जो है वो कोशिश करते हैं कि रिसर्च वर्क में अपना कुछ सोसाइटी को जो है, जब व्हेन दे कम आउट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, तो वो उसमें अपने कुछ हल जो है वो ढूंढते हैं, ठीक हो गया। और यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोबेबली यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या करती हैं, यूनिवर्सिटीज डेवलप वर्ल्ड में या जहां पे तालीम का मेयार अच्छा है वहां पे वो तैयार करते हैं प्लानर्स को, डेवलपर्स को, डिसीजन मेकर्स को एंड इम्प्लीमेंटर्स को, उनको जो है वो तैयार करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो है क्या हम जो है इस तरह के लोग जो है वो मैदान में ला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर अब इस तरह के लोगों को मैदान में लाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे यही लोग जो हैं वो आपके यही लोग दे'ल क्रिएट मोर जॉब्स, दे'ल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी 100 टॉप यूनिवर्सिटीज दुनिया की जो है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। और अगर आप देखें तो हमारे यहाँ इशू क्या है, इशू हमारे यहाँ ये है कि हम मीडियम ऑफ एजुकेशन को हमने तनाजा बनाया हुआ है कि जी खासतौर पे आफ्टर 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो एक बड़ा इशू हमने ये बनाया है कि जी कोई कहता है कि सिंधी में तालीम दें, कोई कहते हैं पश्तो में दें, कोई कहता है कि जी नहीं उर्दू में, कोई कहते हैं नहीं जी अंग्रेजी में। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं तो उसको फॉलो करनी चाहिए पूरी दुनिया, मास्वाय चंद ममालिक के जो बहुत डेवलप्ड है, यानी फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है, वो अपनी जुबानों में जरूर देते, लेकिन क्या हम उस लेवल पे हैं कि हम दुनिया हमारी मोहताज है? दुनिया तो हमारी मोहताज नहीं है, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि हमें कॉम्पीट करना है दुनिया के साथ और हमें मीडियम ऑफ एजुकेशन के बारे में कुछ क्लैरिटी जो है वो जरूर लानी है। एजुकेशन को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो एक तो प्राइमरी एजुकेशन और दूसरी गर्ल्स एजुकेशन और तीसरा जो है टेक्निकल एजुकेशन जो है, ये तीन चीजें जो है वो हमें पाकिस्तान में फोकस करनी पड़ेंगी। अगर हम प्राइमरी को फोकस नहीं करेंगे तो आपकी जो एजुकेशन का जो अदर जो उसके हमारे है ना जी जो उसके अपवर्ड जो टीयर्स हैं वो फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं हो सकेगा फिर, ठीक हो गया ना। तो प्राइमरी पे फोकस होगा तो मिडिल और हायर पे जाएंगे। अगर प्राइमरी से लोग भाग जाए, ड्रॉप आउट हो जाए, तो अभी मैंने ट्वीट किया था तो आप वो देख लें ट्विटर पे, मैंने लिखा हुआ है कि ट्विटर पे कि जो 90% बच्चे जो हैं साउथ वजीरिस्तान की तहसीलों में और
सिब्बी की तहसीलों में 90% बच्चे जो है वो स्कूल कभी गए ही नहीं, स्कूल जाते ही नहीं है, ठीक हो गए, तो ओनली 10% जो है आपके लोग उधर जा रहे हैं। तो बेसिक चीज है आपकी प्राइमरी एजुकेशन, फिर उसके बाद गर्ल एजुकेशन है, आधी आबादी है आपकी, और उसके बाद वो लोग के जो पढ़ाई में आगे चल नहीं सकते, तो उनको कैसे फनी तालीम जो है वो उनको कैसे दी जाए, ये भी जो है दिस इज टू बी अ प्रायोरिटी एरिया एज वेल। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मैंने आपको ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दी गर्ल्स एजुकेशन, और ये जब तक हम जेंडर बायस्ड को एड्रेस नहीं करेंगे तो, और प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल नहीं बनाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन को नहीं प्रमोट करेंगे, देखिए हर आदमी को तो पीएचडी की और मास्टर डिग्री नहीं देनी, ठीक हो गया, वी नीड टू लाइक हमें थोड़ा सा चीजों को रीइवैल्यूएट जो है वो करना पड़ेगा। फिर एक और जो इशू है दैट इज कि अपॉर्चुनिटीज ओपन है जनरल एजुकेशन के लिए, कि करियर काउंसलिंग जो है एक तो वो नहीं है, और एक लोग ये समझते हैं कि बस जहां पे भी वो फिट हो गए उस तालीमी मामले में, आप मेरी बात समझ लें कि वेयर एवर दे फाइंड अपॉर्चुनिटी, एक आदमी ने मैट्रिक साइंस से किया है और वो फिर इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स और मैथ्स पढ़ ले और उसके बाद फिर बिजनेस का कोर्स जो है ग्रेजुएशन में कर ले और उसके बाद वो फिर लॉ की जो है वो डिग्री में जो है लॉ की डिग्री में जो है वो चला जाए, ठीक हो गया, तो ये आपका जो है लॉ की डिग्री पे जो है वो चला जाए, तो इस तरह जो है ना ये मामला जो है इस तरह जो है वो प्रोबेबली दैट मे नॉट बी रिजॉल्व। पॉवर्टी और ड्रॉपआउट का आपस में एक ताल्लुक है, पॉवर्टी और ड्रॉपआउट का, ठीक हो गया, पॉवर्टी और ड्रॉपआउट का एक ताल्लुक है, और जहां पे पॉवर्टी होगी तो वहां ड्रॉपआउट भी होगा, वहां चाइल्ड लेबर भी बढ़ेगी, और वहां पे लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ भी जाएंगे, क्राइम की तरफ भी जाएंगे, ठीक हो गया, तो इन ये सारी चीजें, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि पॉवर्टी, ड्रॉपआउट, एक्सट्रीमिज्म, क्राइम, टेररिज्म और चाइल्ड लेबर, सोशल डिसऑर्डर, इन सब का आपस में ताल्लुक है। इफ यू आर लिस्निंग टू मी, आई एम लाइक एम्फसाइजिंग कि एजुकेशन में पॉवर्टी, ड्रॉप आउट का ताल्लुक जो है वो इम्पैक्ट करता है हमारे, इम्पैक्ट करता है एक्सट्रीमिज्म को, क्राइम को, टेररिज्म को, चाइल्ड लेबर को, सोशल डिसऑर्डर को, ठीक हो गया, ये सारी चीजें जो है पॉवर्टी, ड्रॉप आउट और एजुकेशन। तो अगर हम, कहने का मतलब ये है कि इफ वी ट्राई टू एड्रेस एजुकेशनल इश्यूज, अगर हम इन इश्यूज को एड्रेस करेंगे, इफ वी एड्रेस दीज इश्यूज, अगर हम इन इश्यूज को एड्रेस करेंगे तो प्रोबेबली ये जो बैड एस्पेक्ट्स हैं इनकी रिड्रेसल जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। मोहम्मद खान जुनेजो साहब वजीर आजम थे 1985 से 88 तक, उनके दौर में एक इनिशिएटिव हुआ, और भी कई मरतबा इनिशिएटिव हुआ, जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, इस तरह आज भी पाकिस्तान में 10 में से 4 अफराद जो हैं वो कभी स्कूल ही नहीं गए, टोटली इलिटरेट है। तो ये बड़ा सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है कि आपके आधी के करीब आबादी जो है वो तकरीबन इलिटरेट है, तो उसके लिए क्या किया जाए। वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो खोले थे नई रोशनी स्कूल, यानी लिटरेसी के सेंटर्स,
कि कोई शख्स चाहे उसकी 80 साल उम्र ही क्यों ना हो तो वो शाम को उधर बैठ जाता था और वो कुछ ना कुछ जो है वो उसमें कुछ सीखने का अमल जो है वो उनको मौका मिल जाता था। ठीक हो गया, तो ये लिटरेसी सेंटर वेरी गुड लाइक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक हो गया, तो ये पंजाब में जो है चूंकि हुकूमतें जल्दी जल्दी चेंज होती हैं तो पॉलिटिकल ओनरशिप जो है वो नहीं होती, तो पॉलिटिकल ओनरशिप जब नहीं होगी तो फिर वहां पे आप देखेंगे कि व्हेन देयर इज वीक पॉलिटिकल ओनरशिप तो वहां पे फिर आपको जहां पे वीक पॉलिटिकल ओनरशिप होगी तो वहां पे फिर जो है वीक पॉलिटिकल ओनरशिप की वजह से जो है लिटरेसी सेंटर्स जो है वो अमूमन जो है उनको फाइनेंशियल मसले और बंद हो जाना उनका, ये एक पाकिस्तान में तो इसका एक इशू ये भी हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ओनरशिप जो है दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिकल ओनरशिप जो है दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। जब तक पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं होगी तो हमारे जो एजुकेशन के जो मसाइल हैं वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। 40,000 जो आपके गोस्ट टीचर्स हैं और 5,000 से ज़ायद 5,200 के करीब स्कूल्स जो हैं वो सिंध में गोस्ट टीचर्स और गोस्ट स्कूल्स हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ रहा था कि बलूचिस्तान में 3,500 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे कोई टीचर नहीं है। तो ये कहीं इमारत है तो कहीं उस्ताद नहीं है, कहीं उस्ताद है तो इमारत नहीं है, कहीं दोनों है तो वहां पे स्टूडेंट्स नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू है जिसको हमें जो है वो जरूर जो है वो एड्रेस करना चाहिए। एंड दिस इज एन इशू दैट इज ऑफ जिसको आप कहें कि पॉलिसी लेवल का जो है वो इशू है। ठीक हो गया, तो गोस्ट टीचर्स और गोस्ट जो आपके स्कूल्स हैं उसको कैसे रिड्यूस किया जाए दैट रिक्वायर्स उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए आपकी जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटीज हैं इंस्पेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है कि इंस्पेक्शंस जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इंस्पेक्शंस की जाएं। ठीक हो गया, और जब तक हम वो नहीं करेंगे तो ये हमारे गोस्ट और पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है। आपके जो मेंबर्स ऑफ दी असेंबली हैं, मेंबर्स ऑफ दी बल्दियाती इदारे हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, दे ऑल दे नीड टू इन सबको जो है वो काम करना है इसके ऊपर कि वो अपनी कम्युनिटी में देखें। जब तक सोशल मोबिलाइजेशन नहीं होगी, कम्युनिटी की जो है वो मोबिलाइजेशन नहीं होगी, तो सिर्फ गवर्नमेंट भी जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकेगी। सो कम्युनिटी का बैकअप जो है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इनएफिशिएंट टीचर्स एंड लो पेड, लो कमिटमेंट, लो कमिटमेंट मींस के एक शख्स टीचर बनना ही नहीं चाहता था लेकिन उसको रोजगार चाहिए था तो वो आ गया। सो दैट्स ही स्टार्ट्स विद द लो कमिटमेंट एंड ही एंड्स अप विद द लो कमिटमेंट। तो ये लो कमिटमेंट जो है वो ऑल्सो हैम्पर्स दी, और आजकल तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इतने ज्यादा हैं कि पाकिस्तान में अगर आप 21 ग्रेड में हो, 22 ग्रेड में हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना किचन भी जो है वो चला सके प्रॉपर तरीके से। तो टीचर्स तो फिर बहुत इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी लो पेड जॉब। मिसमैनेजमेंट जो है बद इंतजामी जो है वो बद इंतजामी सिर्फ ये तो नहीं है कि पुलिस में है या अदालत में है, या बद इंतजामी जो है ये बद इंतजामी जो है ये आपके बल्दियाती इदारों में है या वाडा में है। बद इंतजामी जो है वो एजुकेशन में इसलिए ज्यादा है कि इट्स अ वेरी बिग, ये बहुत बड़ा जो है ये बहुत बड़ा जो है इदारा है,
इसकी बहुत बड़ी मैन पावर है, इसकी बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है। तो मिसमैनेजमेंट, वैसे भी मैनेजमेंट इज द रियल चैलेंज इन इन पाकिस्तान। एब्सेंटीज्म, गैरहाजिरी ऑन द पार्ट ऑफ बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के पार्ट पे, बोथ पे एब्सेंटीज्म जो है, दैट्स द रियल प्रॉब्लम। कि जब टीचर नहीं आएगा तो स्टूडेंट्स भी इंस्पायर होंगे, या एक टीचर नहीं आएगा तो दूसरा भी जो आ रहा है वो ठीक होगा, वो इंस्पायर होगा। तो ये असल में समझने वाली चीजें हैं कि इनसे कैसे जो है ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं हमारे, बद इंतजामी, एब्सेंटीज्म, गैरहाजिरी का एक कल्चर जो है, ऑब्सोलीट टीचिंग मेथड्स, वही पुराने तरीकेकार, तदरीस के पुराने तरीकेकार, रिप्रोड्यूस करना, समझाना ना और समझना ना, दोनों चीजें, ना समझने की कोशिश और ना समझाने के लिए एफर्ट्स, और वही सिर्फ रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको दोबारा जो है उसको कागज पे रिप्रोड्यूस कर देना और फिर ज्यादा नंबर ले लेना, लेकिन समझ बेशक ना हो या उसकी कोई रेलेवेंस ना हो। ये ऑब्सोल्यूट टीचिंग मेथड्स जो हैं, अगर आपके पुअर प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, 43% के करीब अगर टीचर्स ट्रेंड ही नहीं हुए, इफ दे हैड नॉट बीन ट्रेंड, तो ये एक पुअर प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है, दैट्स अनदर हिंड्रेंस। सब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड करिकुला, 18th अमेंडमेंट के बाद ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब सारी चीजें अब सूबों के पास चली गई, तो जब सूबों के पास चीज चली जाए और सूबे अगर उसमें इन्वेस्ट ना करें, और फिर एक और जो सबसे बड़ा मसला है कि जब सेंटर में मुख्तलिफ गवर्नमेंट हो और सेंटर में मुख्तलिफ गवर्नमेंट हो और सूबों में मुख्तलिफ हो, तो फिर तो वो कोलैबोरेट करने में भी जो है वो रिलक्टेंस हो तो वहां पे आपको नजर आएगी। They may be reluctant owing to political reasons. So, ये books को कैसे revise किया जाए, update किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा challenge है। High fee structure for private schools का जो fee structure है वो that's on the higher side, और अभी तो inflationary trends भी बहुत high हैं। जब साकिब निसार साहब chief justice थे और नवाज शरीफ वजीर आजम थे, तो उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी कैपेसिटी में जो है वो ऑर्डर्स किए ऑफ लाइक कि फीस जो है वो एक साल तक नहीं इंक्रीज होगी, लेकिन ये देखा गया कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स के, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने परवाह ही नहीं इसकी की, और दे जस्ट ये तो प्राइवेट स्कूल्स, सो दे गो फॉर रेज इन फी स्ट्रक्चर इवन एवरी मंथ, किसी ना किसी बहाने के जरिए जो है दे गो फॉर इंक्रीज्ड लाइक फी स्ट्रक्चर। पॉलिसीज जो है ना प्राइमरीली कन्फाइंड टू द पेपर्स, पाकिस्तान में पॉलिसीज हमारी अच्छी अच्छी, हर पॉलिसी अच्छी होती है, वो अच्छी कब होगी कि जब हम उसको पेपर पर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। इफ वी कन्वर्ट आर पॉलिसी जो है, हम उसको कन्वर्ट करें पेपर के ऊपर, अगर हम उसको एक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सके और वो पेपर के ऊपर ही कन्फाइंड है, तो वो पॉलिसी जो है वो मीनिंगफुल नहीं होती, उसमें आपको जो पर्पस है वो अचीव नहीं होगा। लो फीमेल लिटरेसी रेट, ये एक बड़ा इशू है जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम को जो है वो इंपैक्ट कर रहा है। दिस नीड्स स्पेशल अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, और सिर्फ अथॉरिटीज नहीं, हमें सोसाइटी को भी तो अपनी जो सोसाइटी को भी जो है अपनी आउटलुक जो है वो चेंज करनी है। सोसाइटी इज सपोज टू चेंज इट्स आउटलुक, सोसाइटी को भी तो अपनी आउटलुक जो है वो चेंज करनी है। यू गॉट माय पॉइंट? ये तो नहीं है कि आप सिर्फ हुकूमत का काम है,
माँ बाप को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेसी को, मीडिया को, सबको, क्लर्जी को. व्हाई शुड अ पेरेंट, क्वेश्चन इज व्हाई शुड पेरेंट स्पेंड टाइम एंड मनी टू कीप हिज और हर ऑफस्प्रिंग इन स्कूल व्हेन द चाइल्ड इज गेटिंग लिटिल और नथिंग आउट ऑफ इट. अगर क्यों एक माँ या बाप जो है वो पैसा खर्चे, अपना वक्त लगाए, पैसा खर्चे और अपने बच्चे को जो है वो स्कूल भेजे, जब उसके जेहन में ये बात हो कि इससे एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ बेरोजगारी मिलनी है और कोई रोजगार नहीं उसको, बिकॉज वी आर पुअर पीपल, एक पुअर कंट्री है. तो इफ इट्स अ पुअर कंट्री तो लाजिम बात है हमें एजुकेशन को जो है वो मार्केट के साथ जोड़ना होगा, हमें एजुकेशन को जो है वो उसके इकोनॉमिक इंसेंटिव के साथ, सोशल स्टैंडिंग के साथ हमें जोड़ना होगा उसको. और अगर हम तालीम को उसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, फिर लोग अपने बच्चों को जो है वो स्कूल नहीं भेजेंगे और वो ये समझेंगे कि उनको इस तालीम से जो है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को बेनिफिट नहीं है. तो अगर कोई बेनिफिट नहीं है तो फिर इफ दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट तो वो कहते हैं कि फिर भेजने की क्या जरूरत है, व्हाई वी आर सपोज टू सेंड आवर चिल्ड्रन टू, कि हम अपने बच्चों को क्यों एजुकेशन के लिए जो है वो भेजें. ठीक हो गया. अच्छा जी, फिर ये है कि लेटेस्ट जो लेबर की जो सर्वे रिपोर्ट जो है वो आई है उसके मुताबिक 31% ऑफ दी ग्रेजुएट्स जो हैं, 31% वो अनएम्प्लॉयड हैं और 34% जो है 15 से 29 साल के जो लोग हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी लेबर फोर्स से जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो ये आप देखें कि वैसे 31% तो अनएम्प्लॉयड हैं ग्रेजुएट्स और 15 से, यानी 31% जो है वो आपके ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं. ठीक हो गया, और 34% जो है वो सिंपली ड्रॉप हो जाते हैं उसमें से. सो इसका मतलब है कि रोजगार के अभी आज मैं उर्दू अखबार में पढ़ रहा था, हमारी केपी पुलिस में 500 पोस्टों के लिए 1,00,000 से ज्यादा लोग आए हैं और जिसमें ज्यादातर जो है वो मास्टर डिग्री और ग्रेजुएट जो है ग्रेजुएशन जिन्होंने किया, तो वो लोग जो है वो आपके यहाँ पर इसमें आए हैं आपके. पाकिस्तान में कोई 2 दर्जन से जायद पॉलिसीज और एक्शन प्लान्स जो हैं वो आए हैं. और मैंने आपको बताया कि एवरी प्लान कैरीज सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, हर प्लान के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं. ठीक हो गया, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसके, और असल चीज ये होती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, क्या फाइनेंस उसके लिए अवेलेबल है, वन, क्या ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट उसके लिए अवेलेबल है, फाइनेंस ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट ये दोनों चीजें चाहिए ना, फाइनेंस भी चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट भी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी भी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन भी चाहिए. आप एक लाते हैं फॉर इंस्टेंस, यू ब्रिंग, आप जो है लाते हैं कोई आप लाते हैं क्या कहते हैं कोई कोई पॉलिसी लेकर आते हैं, लेकिन जब आप उसको व्हेन यू ब्रिंग अ पॉलिसी, ठीक हो गया, जब आप एक पॉलिसी लेकर आते हैं तो उसको फिर मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा ना, और उसको एवेल्युएट भी तो करना पड़ेगा. ठीक हो गया, ऐसे तो नहीं है ना कि हम सिर्फ पॉलिसी ले आए और फिर उसको डिस्कार्ड कर दें और फिर हम एक और पॉलिसी जो है वो ले आए. ठीक हो गया, ये सारी चीजें जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है. ठीक हो गया, पॉलिसी इसको जो है वो हम वो करें, इवेल्युएट करें, उसको हम देखें, उसकी जांच पड़ताल करें कि इसमें क्या बुराइयां थी, इसमें क्या अच्छाइयां हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक हो गया,
और हमारी जो पॉलिसी है जब आ जाती है उनको कोई रिन्यू ही नहीं करता, या उसको जो है मैंने इस तरह कहा कि अपडेट नहीं करता। दुनिया में तेजी से जो है वो बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो उसमें आ रही हैं, ठीक हो गया, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां जो है उसमें आ रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर 18th अमेंडमेंट के बाद ना हमारे यहाँ एक और मसला आ रहा है। 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान ने ये जो मुख्तलिफ किस्म के तालीम के मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं, मैं आपको एक लिख देता हूँ, यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपने करनी है। 18th अमेंडमेंट एंड एजुकेशन, अभी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, अभी इसके ऊपर जरा थोड़ा सा काइंडली आप एक दो आर्टिकल्स पढ़ लें, दो सफे जरूर लिख लें अपने नोट्स में। 18th अमेंडमेंट और एजुकेशन, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक हो गया, व्हाट इम्पैक्ट जो है वो उससे आपने डिराइव किया उस उन आर्टिकल्स से। अच्छा, फिर ये जितनी भी को पॉलिसी अगर बना रहे फॉर इंस्टेंस और फॉर्मुलेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक हो गया, और प्लान कर रहे हैं, ठीक हो गया, और अगर उसको इम्प्लीमेंट करने की जब आप बात करते हैं, तो ये सब जो है ना वो आइसोलेशन में ये काम अमूमन जो है, यानी खास तौर पे अभी 18th अमेंडमेंट के बाद, और खुसूसन जब आपका व्हेन योर यू हैव डिफरेंट गवर्नमेंट इन यू हैव डिफरेंट गवर्नमेंट इन इन सेंटर and you have different government in the provinces, तो ये जब आपके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे होंगे और उसमें coordinated effort नहीं होगी, फिर इसका impact जो है वो आपको education में भी एक fragmentation जो है वो उसमें नजर आएगी। Input from teachers in policy formulation is a मिसिंग लिंक, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है लेकिन मेरे ख्याल में आप इसको ऐसे समझें कि वीक लिंक है, मिसिंग लिंक नहीं है, वीक लिंक है तो वैसे मिसिंग, लेकिन चले मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, इट्स अ वीक लिंक जो है। पॉलिसी आपने इनपुट लेनी है, वो आप अगर पॉलिसी इनपुट ले रहे हैं फॉर इंस्टेंस टीचर्स से, अगर आप नहीं लेते तो आप इनपुट किससे ले रहे हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी से ले रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी जनरलिस्ट है, असल में टेक्निकल लोग कौन है एजुकेशन के लिए, वो एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं। जब तक हम उनसे इनपुट नहीं लेंगे, हमारी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसमें आपको जो है तब तक जो है वो आपको जो है एक बेहतरी जो है वो आपको नजर नहीं आएगी, ठीक हो गया। एजुकेशन जो है दैट्स बिजनेस वेंचर, एजुकेशन है दैट्स ये एक बिजनेस वेंचर है, बिल्कुल ठीक है, बट हु विल डिटरमिन द लेवल ऑफ प्रॉफिट, को प्रॉफिट का जो लेवल है वो भी तो डिटरमिन करना चाहिए, प्रॉफिट का लेवल क्या होगा, ये काम भी तो सरकार का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, ब्यूरोक्रेसी का है, रेगुलेटरी प्राइवेट स्कूल्स की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, बिल्कुल स्कूल जब आप खोलेंगे आप इतना पैसा लगाएंगे तो फिर आपका जो उससे प्रॉफिट लेने का भी तो एक एक लेवल होना चाहिए, ठीक हो गया, एक लेवल जो है दैट्स इम्पॉर्टेंट, तो वो कौन उसके ऊपर बार कौन रखेगा, यानी उसको कौन जो है कट ऑफ कौन करेगा उसके लिए, वो काम जो है कि आप इतना प्रॉफिट लेंगे, आप इतना टैक्स देंगे, आप ये सर्विसेज देंगे, अगर वो सिर्फ हर महीने सिर्फ बढ़ा रहे हैं तो लोगों के जो इंटरेस्ट है, वैसे तो तालीम की बुनियादी जिम्मेदारी तो होनी तो पब्लिक सेक्टर की चाहिए, अमेरिका जैसे मुल्क में देख लें, यूरोप में चले जाएंगे तो पब्लिक सेक्टर में लोग ज्यादातर तो पब्लिक सेक्टर में लोग जाते हैं, बेस्ट स्कूल्स होते हैं,
interference. Political interference is another issue. हमारे ठीक हो गया. Political interference जो है ये एक और इशू है कि ये जो सियासी मुदाखलत जो है यानी तालीम के महकमे में ये बहुत ज्यादा है. ठीक हो गया. तो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इसको कैसे कम किया जाए, और जब तक इसको हम कम नहीं करेंगे ठीक हो गया तो तब तक आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी. क्योंकि बिकॉज हर टीचर जो है वो पॉलिटिशियंस के थ्रू जो है वो अपनी पोस्टिंग्स जो है अगर वो मैनेज करेंगे तो फिर उसका जो है क्या होगा, उससे फिर नुकसान यही है ना कि कहीं टीचर ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे. ठीक हो गया. तो इन चीजों को भी जो है वो हमने देखना है. ठीक हो गया. अच्छा जी. देन हार्मनी जो है ना वो मिसिंग है बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान में जो हार्मनी है वो हमारे यहाँ जो है खासतौर पर आपके 18th अमेंडमेंट के बाद, 18th अमेंडमेंट के बाद जो एक हार्मनी है वो आपको जो है वो मिसिंग नजर आती है. ठीक हो गया. ये वो ये हार्मनी जो है ये हमांगी जो है वो कैसे वो बेहतर होगी. ठीक हो गया. दोनों के दरमियान में यानी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान में जो है वो कैसे हमांगी जो है वो इनके दरमियान में जो है वो कैसे बेहतर होगी. तो मैंने आपको वैसे भी कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ये मामले जो है वो काफी जो है इन्हें बेनिफिट उससे वो नहीं हुआ जिसके लिए इसको फोरसी किया गया था. 18th अमेंडमेंट और हायर एजुकेशन, ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि 18th अमेंडमेंट जो है 18th अमेंडमेंट 2010 में आई. 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ, कॉन्करेंट लिस्ट को एबॉलिश कर दिया गया. कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें जो जो सब्जेक्ट्स जिसमें उस लिस्ट में लिखे हों तो आप यानी दोनों उस पर जो है वो कानून साजी जो है वो कर सकते थे. यानी अब तो नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कर सकते थे. यानी सेंटर भी कर सकती थी और सेंटर भी कर सकता था और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो है वो कानून साथी जो है वो उस पे कर सकती थी. ठीक हो गया. सेंटर भी और सूबे भी. लेकिन अब फौकियत किसको थी? फौकियत जो है प्रायोरिटी फिर थी आपके उसको. प्रायोरिटी वाज टू बी गिवन टू दी फेडरल जो लॉ होगा उसको जो है वो आप देते. तो 18th अमेंडमेंट के बाद तो एजुकेशन चला ही सूबों के पास गया. अब जब सूबों के पास चला गया तो ये अच्छी बात है. सूबों के पास मैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता हूँ कि प्रोविंसेस के पास होने चाहिए ये इनिशिएटिव. लेकिन अगेन हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले 14 सालों में जब ये 18th अमेंडमेंट आई है तो क्या उसके मनफी और मुस्बत असरात जो है वो क्या है, इनको भी जो है वो देखना पड़ेगा. Before 18th amendment, education under the entry number 38 में क्या था? Curriculum, syllabus, planning, policy, centers of excellence and set of standard of education. ये जो है ना आपका ये वाली चीजें आपकी थी इसमें आपकी concurrent list में जो है ये चीजें थी. ठीक हो गया. These were in आपके. ठीक हो गया. ये उसमें थी यानी कॉन्करेंट लिस्ट में. ठीक हो गया जी. और तो कॉन्करेंट लिस्ट थी
फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो रेगुलेट कर रही थी इन इनको, ठीक हो गया। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर रही थी हायर एजुकेशन को थ्रू HEC के थ्रू, और HEC किसके थ्रू चल रहा था, HEC ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो चल रहा था 2002 का। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद के पास होने के बाद एजुकेशन जो है वो शिफ्ट हो गई, उसके लिए कोई अगर कानून बनाना हो या उसके लिए कोई एग्जेक्टिव कोई ऑर्डर लाना हो, कोई हुक्म है काम जो है उससे रिलेट जो उसकी इंतजाम है, एग्जेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है उसका जो इंतजाम है, ठीक हो गया, उसका जो इंतजाम है, ये सारी चीजें जो है ये आपकी चली गई, यानी उसमें चली गई, क्या कहते हैं, सूबों के पास चली गई, ठीक हो गया। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि 18th अमेंडमेंट से पहले एजुकेशन जो थी, एंट्री हायर एजुकेशन जो थी वो एंट्री नंबर 38 के तहत आईन में करिकुलम, सिलेबस और प्लानिंग पॉलिसी और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सब कुछ जो था ये कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में था। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हायर एजुकेशन को जो है वो चला रहा था HEC के जरिए, हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए, जिसके लिए HEC ऑर्डिनेंस जो है वो मुशर्रफ साहब के वक्त में आया था 2002 में। विद द पैसेज ऑफ द 18th अमेंडमेंट एजुकेशन वॉज शिफ्टेड टू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रोविंसेस। तो एजुकेशन जो है वो आपकी चली गई लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ज्यूरिसडिक्शन में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ज्यूरिसडिक्शन में चली गई, यानी उसके लिए अगर कवानीन बनाने हैं या उसके लिए जो अगर उसके जो इंतजामी उमूर हैं वो प्रोविंसेस के पास चले गए। और अब अगला सवाल ये था कि क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना कुछ ना कुछ कोई असर रसूख या कोई कंट्रोल तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ना कुछ हायर एजुकेशन पे अपना जो है वो क्या असर रसूख जो है उसको कैसे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको कैसे उसको रखती, तो उसके लिए फिर एंट्री नंबर 12 जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव 2 में जो है वो इंसर्ट की गई, और उसके मुताबिक कौन कौन सी चीज जो है वो डाली गई इसमें, स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ये चीजें है ना, ये यानी स्टैंडर्ड्स यानी उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है, रिसर्च है और साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है इनके जो मामलात है इसको इस तरह नहीं डाला गया कि विफाक के पास ले गए, इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एज अ जॉइंट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल थी है वो ज्यूरिसडिक्शन में, यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है आपको पता है इसको मुश्तरका मफादात की काउंसिल कहते हैं, तो मुश्तरका मफादात की जो काउंसिल है उसमें जो है वो इसको ले जाया गया, ठीक हो गया, वहां पे जो है ये यानी जॉइंट ज्यूरिसडिक्शन में चली गई बजाय कि ये सूबों को जो है वो दे, तो एक मुश्तरका जो है उसमें एलिमेंट जो है वो आपको नजर आता है। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिलके जो है 1,000 अरब रुपए जो है वो खर्चती हैं सालाना, पब्लिक सेक्टर का जो बजट है वो 1,000 बिलियन रुपीस है पाकिस्तानी, और ये मैंने आपको बताया था पीछे मिफ्ता इस्माइल साहब के आर्टिकल से हमने लिया था, इन 2020 आर नेट एनरोलमेंट रेट इन प्राइमरी स्कूल वॉज ओनली 64% एंड दैट वॉज 67% इन 2015, 5 साल में जो है वो 3% जो है वो ओवरऑल इसमें जो है वो डिक्लाइन जो है वो आपने देखा। पंजाब स्पेंड्स अबाउट 31,000 रुपए पर चाइल्ड एनुअली, पंजाब जो है वो 31,000 रुपए जो है वो सालाना जो है वो खर्च रहा है 31,000 रुपए, और गवर्नमेंट स्कूलों में KP जो है 38,000 और सिंध 40,000 और बलोचिस्तान 61,000, सिंध 40,000 और बलोचिस्तान 61,000। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अमेरिका और यूरोप की बात की थी कि वहां पे तो
एजुकेशन जो है वो इन ममालिक में तो बड़ी टॉप प्रायोरिटी होती है। तो ये इन कंट्रीज में एजुकेशन जो है वो प्राइमरली पब्लिक सेक्टर में लोग जो है वो लोगों को यानी गवर्नमेंट जो है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो तालीम की जो है वो जिम्मेदारी जो है वो ले, ठीक हो गया, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान HDI में बिल्कुल नीचे जो है वो रेट हुआ और 191 मुल्कों में इंडिया का नंबर जो है HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 नंबर है इंडिया का और पाकिस्तान का जो है वो 161 नंबर है, 161 नंबर जो है। तो ये बहुत यानी इट्स आप जिसको कहें कि दिस इज ऑन जिसको आप कहें कि दिस इज ऑन हायर साइड, ठीक हो गया, ये हायर साइड पे है, ठीक हो गया, यानी हम बहुत नीचे हैं इसमें, इसका ये मतलब है कि इट्स जिसको है वो बहुत निचली साइड पे है, ठीक हो गया, 161। यानी HDI किसके बुनियाद पे है, HDI प्राइमरली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो तीन बुनियादों पर, HDI किसकी बुनियाद पे है, एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक हो गया, इन तीनों पे जो है ये पूरा मामला जो है। तो पाकिस्तान आप देख लें और आप अगर देखें तो अगर एजुकेशन को आप देखें ना तो एजुकेशन की बुनियाद पे ही ये बाकी चीजें जो है वो आपकी डिपेंडेंट है, आपकी हेल्थ, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स, हर चीज जो है ये आपके इन चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, ठीक हो गया। अभी रिसेंटली वजीर आजम साहब ने जो पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम है उन्होंने एक अच्छी अनाउंसमेंट की और उन्होंने अनाउंस की एजुकेशन एमरजेंसी। तो एजुकेशन एमरजेंसी उन्होंने जो है वो अनाउंस की। सो लोगों ने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि मुल्क में जरूरत है और एजुकेशन एमरजेंसी जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन फिर लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि भाई उसकी मोडेलिटीज क्या होंगी, मोडेलिटीज क्या है उसकी, ठीक हो गया, क्या होगा जब आप एजुकेशन की इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं तो उसके लिए मोडेलिटीज क्या है, कैसे होगी, यानी उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कितने अरसे के लिए होगी, क्या तरीकेकार होगा, क्या आप उसके लिए क्यों डिफेंस का बजट कम करेंगे, क्या कर्जा लेंगे उसके लिए, नए टैक्स लगाएंगे, क्या प्रायोरिटीज एरियाज क्या होंगे। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं लेकिन फिर उसको कैसे जो है उसको केटर फॉर कैसे करना है, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा वीक एस्पेक्ट होता है, ठीक हो गया। पाकिस्तान में 26.2 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो 5 से 16 साल के बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। सो इट्स वेरी अलार्मिंग नंबर के इतने ज्यादा बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल है और ड्रॉप आउट भी बड़ा हाई है। इंटरनेशनल बॉडी क्या रिकमेंड करती है कि कितना पैसा जो है वो खर्चना चाहिए एक मुल्क को, एक रियासत को, 4% ऑफ द GDP, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अक्सर 1.25, इस दफा तो 1.7 के करीब खर्चा, कभी 2.25 कभी 2.5 मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था इट वेंट अप टू 3.02% ऑफ द GDP। पाकिस्तान के पास तकरीबन 1,00,000 के करीब स्कूल है पब्लिक सेक्टर में, 1,00,000 के करीब, और टोटल मिला के सब कुछ छोटे बड़े और प्राइवेट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड तो ये तकरीबन 2.5 लाख के करीब बन जाते हैं। और उसमें जो टीचर्स की तादाद है वो तकरीबन 1 मिलियन के करीब है, ठीक हो गया, टोटल ये फ्रेश उसकी फिगर्स हैं।
कि ये 1 मिलियन के करीब टीचर्स हैं और इसमें ओवरऑल ये पब्लिक सेक्टर का 1 मिलियन है। पीछे मैंने आपको कहा था कि एक और तादाद कितना, 80,000 के करीब थे, 8 लाख के करीब, 8 लाख थे। और फिर यहाँ पे इसके मुताबिक जो है दैट्स 1 मिलियन, तो ये 1 मिलियन है आपके। और 2 मिलियन जो आपके टीचर्स हैं, ये आपके टोटल जो है वो ओवरऑल वर्किंग इन दी एजुकेशन सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक को मिला के जो है ये 2 मिलियन टीचर जो है। तो एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, इट्स बहुत बड़ी जो है ये वर्कफोर्स है जो आपके, ये बहुत बड़ी वर्कफोर्स है। ठीक हो गया, पॉलिसीज आप देखें तो पॉलिसीज आपकी जो है मुख्तलिफ पॉलिसीज आती रही। अब पॉलिसीज में एक तो हमारे यहाँ पॉलिसीज तो आप देखें कि बहुत सी पॉलिसीज जो है वो आई, कई पॉलिसी, बहुत सी नहीं कई पॉलिसीज आई, लेकिन उसमें जो असल मसला है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। हर पॉलिसी अपने कुछ उसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं। 1959 में जो पॉलिसी आई उसमें कहा कि जी 5-10 साल तक की जो तालीम है, 10 years of age तक, 10 साल की एज तक के जो बच्चे हैं उनकी तालीम जो है वो लाजमी होगी। अब हम तो 2010 में, यानी ये तो हमने पहले से 1959 में कई बार, और ये जो आपकी है क्या कहते हैं 2010 में हम 18वीं तरमीम ले आए, तो 18वीं तरमीम जो है वो क्या कहती है कि 18वीं तरमीम तो कहती है कि आपके 5 से 16 साल के बच्चों को, यहाँ तो 10 साल की बात हुई ना, तो यहाँ तो लाजमी तालीम की बात हुई। अब तो हमने तो कुछ आगे चले गए, हमने तो कहा कि 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम, 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम की भी जो है वो हमने बात की। ठीक हो गया, 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम, ये 25A में मैंने आपको बताया था। इक्वल राइट्स गर्ल्स एंड बॉयज एजुकेशन, अच्छी बात है इक्वल राइट्स, यानी यहाँ गर्ल एजुकेशन पे एम्फेसिस है कि जेंडर स्पेसिफिक ना हो एजुकेशन, जेंडर स्पेसिफिक ना हो, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगेन आप देख लें कि गैप्स जो है वो कितने ज्यादा हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एवेल्युएशन, ये जो आपकी वो है क्या कहते हैं उसमें, दिस वॉज अ वेरी गुड आइडिया। ठीक हो गया ना, एक इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, के गुड आइडिया कैसे था कि गुड आइडिया ऐसे था कि आपका जो है गुड आइडिया ऐसे था कि 75% अगर आपकी इवेल्युएशन जो है वो एक्सटर्नल साइड पे है, सो दैट वॉज गुड कि अगर 75% जो है वो आपकी इवेल्युएशन जो है वो आउटर जो है फैक्टर उसको कर रहा है। ठीक हो गया, आउटसाइड फैक्टर जो है वो उसको कर रहा है। ठीक हो गया, और 25% जो है वो इंटरनल पे जो है वो आप कर रहे हैं। लेकिन आप देख लें कि हमारे जो क्या कहते हैं हमारे जो आप देख लें ना बोर्ड्स वगैरह हैं, उसमें आप करप्ट प्रैक्टिसेस भी तो देखें कि पूरे पूरे बोर्ड बिक जाते हैं। सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल इवेल्युएशन नहीं है, उसके साथ ये चीज भी हमें देखनी चाहिए कि उसमें ऑनेस्ट रीड्स जो है वो कितनी है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलीजियस एजुकेशन 3 मुख्तलिफ स्टेजेस पे, ठीक हो गया, मजहबी तालीम 1970 में साइंस और टेक्नोलॉजी एक पिलर था, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन
तो ये काम तकरीबन हमने फिर 18th अमेंडमेंट में किया तकरीबन 40 साल बाद, 40 इयर्स आफ्टर जो है वो हमने फिर इसको इंश्योर किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हमने सूबों को जो है वो डिवॉल्व कर दी, अथॉरिटी कॉन्करेंटली जो है वो खत्म कर दी, और एक सेंट्रलाइज्ड रोल अभी भी है लेकिन सेंट्रलाइज्ड रोल जो है वो तकरीबन अब काफी हद तक डाइल्यूट हो गया है, और एजुकेशन को मेयार को उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए नेशनल एजुकेशन यूनिट्स, पाकिस्तान टूटने के बाद जो है जब नया पाकिस्तान बना और टूटा पाकिस्तान तो फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ने एक फिर दोबारा एक एम्फेसिस जो है वो इस बात पे दिया गया, एम्फेसिस जो है वो इस बात पे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के जो नजरिया पाकिस्तान है उसको जो है वो बनाया जाए, एक तरजीही बुनियाद पे जो है उसको जो है वो लाया जाए, ठीक हो गया आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। फिर इक्वालिटी इन एजुकेशन, अगर आप ऊपर देखें 1959 वाले में भी दूसरा बुलेट देखें तो गर्ल्स एजुकेशन की बात हो रही है, और इक्वालिटी इन एजुकेशन यहाँ पे भी वो जेंडर की इक्वालिटी की तरफ भी जो है वो इशारा हो रहा है, ठीक हो गया। फिर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज टू बी वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशन, अगर आप के एजुकेशन से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही कि लोगों की शख्सियत जो है वो बेहतर नहीं हो रही, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ी अच्छी इंक्लूजन थी, और ये मेरे ख्याल में हमारी ओवरऑल एजुकेशन में दिस सीम्स ऐसे कह देंगे कि वीक लिंक है, चले अगेन मैं ये नहीं कहता कि मिसिंग लिंक है बट इट्स अ वीक लिंक, ठीक हो गया। फिर आपके जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन है ये भी उन्होंने कहा कि ये भी एक पिलर होगा, और फिर 79 जब ये इस्लामाइजेशन का प्रोसेस पाकिस्तान में एक फीवर चला, और ये चला जनाब जियाउलहक साहब के वक्त से, तो जियाउलहक साहब ने फिर क्या बात की, उन्होंने फिर इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में जो एक मजहबी एक टेम्परेचर है वो आपको गवर्नेंस में नजर आया, और उर्दू यानी मजहब और उर्दू जुबान, लेकिन उसके साथ अगेन एम्फेसिस क्या था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। तो अगर आप देखें 59 वाला देख लें उसमें भी गर्ल्स एजुकेशन, 72 वाले में भी और 79 वाले में भी जो है इसकी जो है वो आपको तरजीह में जो है वो मिलेगी। जो 2017 और 2025 की जो एजुकेशन की पॉलिसी है उसमें क्या चीज है, दैट इज द प्रमोशन ऑफ द हायर एजुकेशन, के आला तालीम को जो है वो कैसे जो है उसको तरजीह बनाना है, और 15 नई साइंस और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटियां ये टारगेट है इन जो तकरीबन 8 बरसों के जो मुहित ये अरसा है इसका, इसमें 15 नई यूनिवर्सिटियां और 50 जो है नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये बनाना, और स्मार्ट सब कैंपसेस। अब अच्छी बात है स्मार्ट सब कैंपसेस बनाना, इट्स गुड, बट स्मार्ट सब कैंपसेस आप कहते हैं ना कि स्मार्ट सब कैंपसेस जो है वो अगर आप बनाते हैं तो अच्छी बात है कि लोगों को जो है वो मौका मिल जाए। स्मार्ट सब कैंपसेस लेकिन स्मार्ट सब कैंपसेस फिर वहां पे स्टैंडर्ड्स जो है वो कैसे मेंटेन, स्टैंडर्ड्स को भी तो हमने देखना होता है कि स्टैंडर्ड्स को जो है वो कैसे मेंटेन करेंगे, और साइंस और टेक्नोलॉजी इस वक्त जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का की एज है और इंटरनेट की जो है वो एज है, तो उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटीज की तादाद जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए,
और खास तौर पे स्पेशल चिल्ड्रन जो है उसमें जो एनरोलमेंट है उनकी पार्टिसिपेशन रेट जो है एजुकेशन में उसको जो है वो कैसे उसको जो है वो कैसे उसको 50% के ऊपर जो है वो कैसे लाना है, ये प्रायोरिटी एरियाज। यूनिवर्सिटीज जो है वो हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ताजा तरीन जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहता है टोटल नंबर ऑफ जो हमारी यूनिवर्सिटीज है लेटेस्ट उसके आदादोशुमार, ये सरकारी आदादोशुमार है पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे है लेटेस्ट उसके मुताबिक कहेंगे तो उसके मुताबिक 247 है टोटल और 147 जो है ये पब्लिक सेक्टर में है और 100 जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसमें तकरीबन जो एनरोलमेंट है वो 2 मिलियन के करीब जो 20 लाख के करीब जो है वो स्टूडेंट की तादाद है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ये एक बहुत बड़ा है सेक्टर है। ठीक हो गया। और कायद आजम यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की जो है वाहिद यूनिवर्सिटी है जो आपके टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में जो है वो इंक्लूडेड है। आपको अंदाजा इससे हो जाएगा अगर आप स्टैनफोर्ड के अगर बजट को आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी कितनी कम जो है हाउ लोअर एलोकेशन जो है। तो जब आपकी एलोकेशन ही लो होगी तो फिर यूनिवर्सिटीज से तो वही मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज में से वो लोग नहीं निकलेंगे जिन्होंने इस सोसाइटी को जो है वो रिफॉर्म करना है, जिन्होंने इसकी प्लान करनी है, जिन्होंने इसको जो है वो आगे एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो उसमें इन्फ्यूज करनी है। विद इन दिस एलोकेशन आपकी जो HEC है वॉज ग्रांटेड 59.7 बिलियन। ठीक हो गया। The HEC was granted 59.7 billion or roughly 220 million US dollar. ठीक हो गया। तो ये आपके जो है उन्होंने एलोकेशन जो है ये 59.5 billion जो है HEC का बजट है रुपयों में और स्टैनफोर्ड का यूनिवर्सिटी का बजट जो है वो 8.9 billion डॉलर है, 8.9 billion डॉलर है। While an average American university's expenditure is several times the size of total budget of HEC, ये HEC का जो बजट है ना इससे कई गुना जो है वो ज्यादा बजट है आपके, कई गुना ज्यादा बजट जो है वो आपके कई गुना ज्यादा बजट जो है वो है जनाब आपके किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी का। तो अगर हम चाहते हैं अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि इफ वी आर इंटरेस्टेड कि हम इंटरेस्टेड हों कि इफ वी आर इंटरेस्टेड कि हम पाकिस्तान में बेहतर जो है वो लोग जो है वो पैदा करें तो ऑनेस्टली वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन बोथ in primary education and we need to allocate more funds very generous funding jo hai wo karni padegi universities mein research ke hawale se। Pakistan mein ek jo bada issue hai education mein ki merit based recruitment kaise ho aur usko mein transparency kaise infuse ho aur usme political interference ko jo hai wo kaise how that is to be denied उसको जो है वो कैसे deny किया जाए। सिंध में कुछ कोशिश की गई initiate करने की like 60,000 जो है वहां पे recruitment के लिए seats जो है वो announce की गई 60,000 के करीब। ठीक हो गया। 60,000 तो 60,000 जो है ये एक 60,000
सीट्स जो हैं वो क्रिएट की गई और 60,000 सीट्स क्रिएट की गई। और जब उसके लिए कैंडिडेट सबने अप्लाई किया तो वो तकरीबन कोई आपके बन गए कोई 1,62,000 लोग आए 60,000 के लिए। लेकिन उसमें से इंटरेस्टिंगली उसमें सिर्फ जो आपके लोग पास हुए वो सिर्फ तकरीबन 1,250 यानी 1,200-1,300 के दरमियान लोग जो है वो पास हुए। तो ये बहुत जो है लो परफॉर्मेंस आप कह लें कि पोस्टें हैं और पोस्टें थी और क्वालिफाई करने वाले लोग नहीं थे। तो ये बड़ा खतरनाक है कि लोग इससे इनकॉम्पिटेंस जो है ना वो आपकी जो है हमारी सोसाइटी की वो बड़ी खुल के जो है वो हमें मिलती है। ठीक हो गया। और फिर क्या किया सिंध की गवर्नमेंट ने, फिर ये किया व्हाट द सिंध गवर्नमेंट डिड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने उस थ्रेशोल्ड को ही नीचे कर दिया, इनर लेवल को जो है वो नीचे ले गए। ठीक हो गया। दे ब्रॉट इट डाउन ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करने, तो वो उन्होंने नीचे ले गए। अब इससे क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे ना वो उसमें अट्रैक्ट हुए। ठीक हो गया। प्राइवेट सेक्टर जो है वो अट्रैक्ट हुआ और प्राइवेट सेक्टर जो है वो अट्रैक्ट हुआ इस रिक्रूटमेंट में। तो वहां से फ्लाइट लोगों ने यानी मतलब जो आपके टैलेंट की जो फ्लाइट है वो वहां से प्राइवेट से जो है वो पब्लिक सेक्टर में जो है वो आपको आ गई। चले उनको बेहतर रोजगार मिल गया। लेकिन कुछ सवालात जो है वो लोगों ने उठाए, वो भी हमें पता होना चाहिए कि वो क्या सवालात जो है वो उठाए। और सवालात उन्होंने ये उठाए मिसाल के तौर पे कि उन्होंने कहा कि जी ये जो इनको ये जो लोग आ गए हैं आपके सरकारी नौकरियों में, इनको कैसे जो है इनको कैसे जो है वो रिटेन किया जाए, हाउ टू रिटेन देम, उनको जो है वो रिटेन जो है वो कैसे किया जाए, हाउ टू रिटेन देम, के अगर वो यहाँ पे आ गए हैं तो अब ये इसकी क्या गारंटी है कि वो किसी नेक्स्ट प्रोफेशन को जो है वो नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक हो गया। एक तो ये बात हो गई और आपके उसमें लोग चले गए। और दूसरा ये जो है आपका कि उनको बैड इन्फ्लुएंसेस से जो है जो सिस्टम में ऑलरेडी बैड इन्फ्लुएंसेस हैं उनको जो है वो कैसे उस बैड इन्फ्लुएंसेस से जो है वो इनको कैसे बचाया जाए। ठीक हो गया। बैड इन्फ्लुएंसेस से उनको कैसे जो है बैड इन्फ्लुएंसेस से उनको कैसे जो है वो हाउ टू कीप देम अवे फ्रॉम 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 बैड इन्फ्लुएंसेस। ठीक हो गया। तो ये एक बड़ा के बैड इन्फ्लुएंसेस क्या है कि एक टीचर है मिसाल के तौर पे, वो टीचर है वो मिसाल के तौर पे एक टीचर जो है एक टीचर जो है वो लेट से के वो अच्छा टीचर है लेकिन मैं पुराना टीचर हूं और मैं आता ही नहीं स्कूल। तो अगर आप अच्छे टीचर हैं, ऑनेस्ट हैं एंड यू वांट टू बी अ हार्ड वर्किंग मैन और अ वुमेन, लेकिन मैं आप मुझे देखते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये तो एक दिन आता है, दो दिन नहीं आता, या ये क्लास पढ़ाता है और चार नहीं पढ़ाता, तो ऑब्वियसली ही और शी बी अट्रैक्टेड टू द बैड हैबिट्स। तो वो जो कल्चर है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, तो उसको कैसे जो है वो रेजिस्ट किया जाए। अब कैसे असल इशू क्या है, कौन सी स्टेटिस्टिक्स की बात कर रही हो, विच वन स्टेटिस्टिक्स, ब्रिज द गैप बिटवीन द स्कूल्स एंड मदरसास के कैसे जो है वो दो आपके पास 30,000 से ज्यादा मदरसे हैं पाकिस्तान में और
दोनों अपनी अपनी जगह एक कॉज को सर्व कर रहे हैं, लेकिन कैसे जो है इनको इंटीग्रेट किया जाए। मेरा एक आर्टिकल भी है और वो है उसके हवाले से, मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से। तो मदरसा जो है और स्कूल जो है उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये भी एक चैलेंज है। नेशनल एक्शन प्लान में भी जो है वो इसको जो है वो हाईलाइट किया गया कि ये आप ये लेटेस्ट है, इस पिछले साल की है और डॉन में आपको मिल जाएंगी। अगर आप 60,000 जो टीचर्स की हैं ये पिछले साल की हैं, डॉन अखबार में आप इसको क्लिक करें, आपको गूगल करें, मिल जाएगी बिल्कुल पूरी खबर मिल जाएगी। क्लास बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इज टू बी डिस्करेज्ड। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है ना, ये बेसिकली बुनियाद डालती है क्लास कॉन्शियसनेस के, कौन किस मॉडल स्कूल में पढ़ा हुआ है और उसके मुताबिक जो है वो लोग उसको वो करते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोवर्सी जो है इंग्लिश और उर्दू की, इसको जो भी रिजॉल्व करना है कि ये जो हमारी कंट्रोवर्सी है, ये जो इख्तिलाफ है, इसको जो है हमने कैसे, ये जो इंग्लिश और उर्दू का जो झगड़ा चल रहा है। ठीक है, अगर चाइनीज की बात आपके जी, चाइनीज चाइना में, तो चाइना तो भाई अमेरिका भी उसका कर्जदार है, चाइना का तो पूरा दुनिया कर्जदार है। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी तो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। फ्रेंच की बात कर रहे हैं तो फ्रेंच एक बहुत बड़ी रियलिटी है, वो बहुत बड़ी कॉलोनियल पावर थी। हमारी जुबान क्यों सीखेगा कोई? अगर हम दुनिया के साथ कॉम्पीट करना चाहते तो हम बिल्कुल अपनी उर्दू पंजाबी जो भी आपने पढ़ना है बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन व्हाई नॉट, आपका जितनी इलीट क्लास है जो आपके ऊपर हुक्मरानी करती है वो सब अंग्रेजी में, उनका वो तो घर में भी अंग्रेजी बोलते हैं, तो हमारे बच्चों को वो कहते हैं कि जी आप पश्तो में जो है वो तालीम हासिल करें। तो फिर यही तो हाल है हमारा। तो वी नीड टू लाइक बी वेरी रियलिस्टिक कि कैसे जो है आप बिल्कुल उर्दू, मैं उर्दू ही बोल रहा हूँ ना, मैं तो उर्दू स्पीकिंग नहीं हूं, मैं पश्तून हूं, मुझे पंजाबी भी आती है, मुझे इनको भी आती है। तो ये तो इसमें इतना पर्टिकुलर होने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है कि हम अपनी तरक्की का सोचना चाहिए, हमें दुनिया में कॉम्पीट कैसे करेंगे। हाउ टू रिक्रूट टैलेंटेड टीचर्स एंड हाउ टू एंड वाई नॉट टू इम्प्रूव द सैलरी स्ट्रक्चर एंड द सोशल स्टेटस ऑफ द टीचर्स, इसके बगैर तो ये काम नहीं बनने लगा। अगर हम इसमें से कुछ परसेंटेज भी, 25% भी मरहला वाइज अगर हम इन टीचर्स पे फोकस कर लें तो चीजें जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। एंड देन जो प्रोमोशन है दैट इज टाइम स्केल पे है हमारी प्रोमोशन, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। यानी जो आपकी है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी के बिना पे जो है वो प्रोमोशंस नहीं है। बस कि जी मेरी इतना वक्त मेरा हो गया और मुझे अब प्रोमोट करने, या मेरा हक है, मुझे 10 साल हो गए मुझे अगले ग्रेड मिले जाए, मुझे 4 साल हो गए मुझे अगले ग्रेड। एक परफॉर्मेंस बेस पे आप करें कि हाँ मिनिमम आपकी ये परफॉर्मेंस हो और इतना आपने वक्त गुजारा हो तो फिर आपकी जो है वो प्रोमोशन जो है दैट विल बी कंसिडर्ड। स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है उसको भी जो है वो हमने देखना है कि स्टूडेंट टीचर जो रेशियो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ पे खासतौर पर रूरल एरियाज में इसको जो है वो जरूर जो है वो रिव्यू होना चाहिए, जहाँ पे टीचर्स की कमी है। जब तक हम टीचिंग के प्रोफेशन को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे विद बेटर पे पैकेज, विद बेटर सोशल स्टेटस, गिविंग देम लाइक सम टाइम इन द मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गिविंग देम सम स्पेस इन द प्रिंट मीडिया, तो ये जब तक हम नहीं करेंगे, और आजकल तो इंटरनेट है और बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो ये जितनी भी फॉरेन रिसर्च हो रही है उसको हम लोकल लैंग्वेजेस में लाएं और लोगों को में वो इलम और जो एक उसका आप कह लेंगे एक जो यूटिलिटी है उसकी,
वो लोगों में जो है वो लेकर जाएं, तो तब जाके जो है एजुकेशन प्रोमोटर। ये मैंने पीछे आपको बता दिया कि एजुकेशन इज इक्वल टू द गर्ल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन, एंड इफ वी वांट टू रियली लाइक पुट सम एफर्ट इन इन द एजुकेशनल सेक्टर, तो हमें कुछ फाइनेंशियल एलोकेशन जो है वो कम अज कम 4% पे ले जाना पड़ेगा। और फिर सिर्फ 4% ही नहीं कि हम पैसे बढ़ा दें, हमें थोड़ी सी कंटेंट्स भी इम्प्रूव करने पड़ेंगे और ऑनेस्टी के साथ पैसा खर्च करना पड़ेगा, करप्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो डिस्करेज करना पड़ेगा, और जेंडर गैप्स जो है उसको भी जो है वो एड्रेस करने की लाजमन जरूरत है। हमारा जो नेक्स्ट इसमें पार्ट है हमारी डिस्कशन का, दैट इज हेल्थ। हेल्थ हमारा जो है वो डिस्कशन है, और वो क्या है, हेल्थ पे हम कुछ बातें करेंगे। प्रोग्रेस ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स हैज बीन अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जी ब्रेक 8 बजे करेंगे बेटे, 8 बजे ब्रेक करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, चाय भी पियेंगे, ठीक हो गया, 15 मिनट की ब्रेक करेंगे 8 बजे, ठीक हो गया, सिर्फ 7-8 मिनट रहते हैं, थोड़ा सा ठहर जाए तो इंशाल्लाह करते हैं ब्रेक। प्रोग्रेस ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं, हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं उस पे हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं प्रोग्रेस ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं और प्रोग्रेस ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स जो है ये आपके मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो आपके इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया, इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं हेल्थ को। वो कौन से फैक्टर्स हैं, इन्हें सबसे पहले लो पोलिटिकल ओनरशिप, जब आपकी पोलिटिकल ओनरशिप नहीं होगी, ठीक हो गया, और क्या है, वेन देर इज लाइक नो पोलिटिकल ओनरशिप वन, और वीक पोलिटिकल ओनरशिप वन, नंबर टू लो एलोकेशन, जब आप एलोकेट जो है वो लो जो है लो एलोकेशन जब आप उसकी करेंगे, ठीक हो गया, लो एलोकेशन ऑफ आप लो एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है, लो एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है वो आप करेंगे, ठीक हो गया, लो एलोकेशन ऑफ फंड्स। फिर ट्रांसपेरेंसी का ना होना, ठीक हो गया, ट्रांसपेरेंसी का ना होना, और ट्रांसपेरेंसी का ना होना, और ट्रांसपेरेंसी का ना होना, और अकाउंटेबिलिटी का ना होना, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस का होना, ठीक हो गया, और पब्लिक हेल्थ की जो है वो प्रायोरिटी ना होना एजुकेशन में, और मीडिया के एजेंडे पे ना होना, और सिक्योरिटी के इश्यूज जो है वो भी बुरी तरह, ओरियो के वर्कर्स को मारना और इनसिक्योरिटी होना, ठीक हो गया, इनसिक्योरिटी होना, ठीक हो गया, और देन आपकी जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर में भी खास तौर पे डोनर्स का पैसे ना देना, डोनर्स जो है वो रिलक्टेंट हैं, अब हमें पैसा जो है वो नहीं देते बिकॉज ऑफ अब अमेरिका को या इस तरह के, उनको हमारी जो है वो जरूरत नहीं है शायद, ठीक हो गया, और हेल्थ में वो पैसा नहीं दे रहे वन, और दूसरा जो है एक तो ये है, एक तो ये हो गई, और दूसरा जो है आपका करप्ट प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी का ना होना, ठीक हो गया, ये सारी चीजें जो है वो हमें बुरी तरह जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। हेल्थ मिनिस्टर्स जो है यूजुअली दे डोंट हैव बैकग्राउंड इन हेल्थ बट देयर वर्ड इज फाइनल। हेल्थ मिनिस्टर जो है ना वो टेक्निकल, जरूरी नहीं कि हेल्थ मिनिस्टर कोई डॉक्टर ही हो,
हेल्थ मिनिस्टर का अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है, वो समझता है, वो एक चीजों में उसकी नॉलेज है, तो दैट विल बी वेरी गुड. बट हमारे यहाँ जो हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास वो बैकग्राउंड नहीं होता, नॉलेज नहीं होता. दोज हू मेक बजट प्लानिंग एंड प्रमोशन, जो बजट बनाते हैं, प्लान करते हैं, ठीक हो गया, और प्रमोशंस वगैरह जो है, ठीक हो गया, ये इस तरह की चीजें जो है, ठीक हो गया, और ये जब आप करेंगे तो फिर दिस इज लाइक ये जो बजट बना रहा है, जो प्लान कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, उनका बैकग्राउंड ही ना हो, वो टेक्निकल बैकग्राउंड उनका ना हो इन इस तरह की चीजों में, ठीक हो गया. और देन नॉन डॉक्टर ऑफिशियल्स इन आर हेल्थ मिनिस्ट्रीज, दे वील ट्रेमेंडस पावर ओवर द टेक्निकल स्टाफ. यानी ये जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, मेरा इशारा नॉन डॉक्टर्स लाइक ब्यूरोक्रेसी से लोग जो होते हैं, सीएसएस करके चले जाते हैं या प्रोविंशियल एग्जाम पास करके, अब वो जो सेक्शन अफसर से लेके सेक्रेटरी तक, तो वो तो सारे जर्नलिस्ट हैं, ठीक हो गया, दे जस्ट हैव जनरल नॉलेज, दे डोंट हैव टेक्निकल लाइक नॉलेज अबाउट सर्टेन इश्यूज. हेल्थ वर्कर्स इन पब्लिक सेक्टर डोंट हैव प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर, नो करियर प्लानिंग एंड प्रमोशंस इवन आफ्टर इयर्स ऑफ डेडिकेटेड सर्विस. आज मेरे पास एक सर्विस से आया हुआ था एक बंदा, वो कह रहा था कि जी मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, मैं 18 ग्रेड में, तो मतलब अब वो अगर उसने 3 साल से ज्यादा नौकरी की, अगर वो सीएसएस का अफसर होता मिसाल, तो उसको वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटीज होती, और इसीलिए लोग आते हैं ना सिविल सर्विस में. तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि सिविल सर्विस वालों को बेहतर होना चाहिए, नहीं, बाकी सर्विसों को भी आप बेहतर बनाएं, उसके सर्विस कंडीशंस को, उसकी जो प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी है उसको बेहतर बनाएं. तो ये जो हेल्थ वर्कर्स की जो है ना, वो 30-30 साल नौकरियां कर लेते हैं और उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो उनको के अदर लोगों को है, ठीक हो गया. और यही वजह है कि पाकिस्तान हैज वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटीज ऑफ हेल्थ वर्कर्स इन रीजन एंड ग्लोबली एंड सफर्स फ्रॉम सिवियर शॉर्टेज ऑफ हेल्थ वर्कर्स. ये एक बड़ा मसला जो है वो हमारा ये है कि हमारे जो लोग हैं वो बाहर मुल्कों में जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं. ब्रेन ड्रेन जो है वो आपको बड़ा वाजे तौर पे जो है नजर आएगा. हेल्थ को अगर आप देखें तो पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले जो बजट था, दैट वाज ओनली 62 बिलियन रुपीस एंड दैट वाज 0.35% ऑफ द जीडीपी, 0.35% ऑफ द जीडीपी था, ठीक हो गया. और 2019-20 में ये चला गया 1.1% ऑफ द जीडीपी, और 2020-21 में ये चला गया, थोड़ा सा मामूली सा इंक्रीज हुआ, 1.2% ऑफ द जीडीपी. तो ये जो मामूली सा इंक्रीज हुआ ना, ये मामूली सा जो इंक्रीज है वो कोरोना की पेंडेमिक की वजह से हुआ, ठीक हो गया. तो हमारी, इसका मतलब है हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं है एरिया. WHO क्या रिकमेंड करता है कि कितना होना चाहिए मिनिमम ऑफ द जीडीपी? मिनिमम 6% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए, ठीक हो गया. लेकिन US आप देख लें, हम तो मुश्किल से 1% पे भी बहुत कम जाते हैं. तो US जो है ना, ये लेटेस्ट है अभी बिल्कुल 17.3, ये पहले 16 point something का, ये भी मैंने लेटेस्ट इसको ऐड किया. तो ये US जो है ये 17.3, वहां तो लोग भाई वोट बाद में देते हैं, पहले ये पूछते हैं कि अच्छा हमारे जो ये टैक्स ले रहे हैं हमसे, ये फलां पार्टी, इसकी तो हुकूमत रही है, इसने तालीम में ये किया है, हेल्थ में ये किया है, ये हमें इंश्योरेंस देंगे नहीं देंगे. हमारे यहाँ तो हम फी सबीलिल्लाह वोट देते हैं और बेवकूफी से देते हैं, इमोशनली देते हैं. वहां तो हेल्थ इज वन ऑफ द मेजर लाइक इलेक्शन का जो कार्ड होता है ना, जिसको यूज करते हैं, वो एक मेजर जो उसका वो है, दैट इज आपके
मेजर जो है ना उसमें बेटे हेल्थ और एजुकेशन वगैरह, ये तो ये देखिए इतने सारे पैसे एलोकेट करने के बावजूद लोग जो है वो हुकूमत से खुश नहीं होते। 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ जो है दैट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इस पे भी आपने काम करने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 18th अमेंडमेंट एंड हेल्थ, इसको भी आप देख लीजिएगा, 18th अमेंडमेंट एंड हेल्थ, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि 18वीं तरमीम और हेल्थ से जो है वो क्या मामला। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान अगर आप देखें तो आपके ये ओवरऑल जो लैंडस्केप है, तो इतना आपका हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है उसका खुलासा जो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। और ये जो आखिरी बुलेट है वो ये है कि जिस तरह आर्टिकल 25 ए है, ठीक हो गया, आर्टिकल 25 ए है ना, जिस तरह आईन में 25 ए है, तो इस तरह इन्होंने 25 ए की तरह एक पाकिस्तान में वो चल रहा है कि जी इसी तरह हेल्थ को भी जो है वो एक राइट के तौर पे जो है वो एक्नॉलेज किया जाए। हेल्थ इज ऑल्सो टू बी एक्नॉलेज जो है, जिस तरह 25 ए है 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम जो है, तो ये जो है उसमें एक्नॉलेज जो है वो किया गया है। ठीक हो गया, एक मिनट मुझे दे दो। तो पाकिस्तान में वैसे तो राइट टू लाइफ है, वो भी लिखा हुआ है आपने आईन में आर्टिकल 9 जो है, ठीक हो गया, लेकिन डायरेक्ट जो है रेफरेंस वो जिस तरह तालीम जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये मैंने अपना कल का जो आर्टिकल है अनगवर्न एरियाज के हवाले से आपको, जिसको हो इंटरेस्ट पाटा के हवाले से, ट्राइबल एरियाज के हवाले से, तो काइंडली ये आप देख लीजिएगा। और आपको मैंने अगर ट्विटर नहीं दिया अपना, तो दिस इज माय ट्विटर, दिस इज माय ट्विटर, ठीक हो गया। तो बेटे इसमें लिखते हैं, 15 मिनट की ब्रेक है, तो 15 मिनट बाद जो है वो हम मिलेंगे, हम हेल्थ पे कुछ बातें करेंगे और कुछ और मुख्तसर सी पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह नया टॉपिक कोशिश करेंगे कि इंट्रोड्यूस करें आज। तो इसमें बेटे लिखने के ब्रेक है ताकि जो लोग ना हो तो उनको पता लग जाए कि हम ब्रेक करने जा रहे हैं। थैंक यू। अच्छा जी, गुड। तो बेटे इस तरह की ये मैंने कल गालिबन या परसों इसको अपडेट किया, वैसे ही किसी ने क्वेश्चन किया, मुझे शक हो गया, मैंने कहा चलो यार इसको देखते हैं। WHO ने पाकिस्तान को ना, ये मैंने अभी परसों तक ये मेरे पास 122 नंबर पे था, फिर मैंने कहा चलो यार चेक करता हूँ। तो अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग हुई है ना पाकिस्तान की हेल्थ में, यानी और 2 नंबर हम जो है ना वो नीचे चले गए, पहले 122 नंबर पे था, ये लेटेस्ट जो, तो अभी लेटेस्ट जो आया है उसमें ये चला गया आपका 124 नंबर पे। तो ये आप देख लें, मैंने आपको कहा था कि HDIV हमारा जो है उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक हो गया, HDIV जो है वो हमारा इसी चीज के ऊपर जो है वो बेस्ड है, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है इसमें थर्ड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट नंबर पे, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट नंबर पे, यानी 1000 बच्चा जो पैदा होते हैं ना एक साल में, तो उसमें से 95
से 100 बच्चा जो है वो पहली बर्थडे से पहले ही जो है उनकी फौतगी हो जाती है। और एक और स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक यूनिसेफ की, वो ये कहते हैं कि हर साल जो है वो 3.5 लाख बच्चा जो है, जो साल में सालाना 6.3 मिलियन बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनमें से जो है ये आपके जो 3.5 लाख हैं वो साढ़े तीन लाख जो बच्चा है वो हमारा हर साल जो है वो पहले साल में ही जो है वो फौत हो जाते हैं। और ड्यू टू दिस पुअर अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इश्यूज, और फिर एक और यूनिसेफ की आदादोशुमार है कि 100 में से 6 बच्चे जो हैं वो अपने जो इब्तदाई 5 साल की जो उम्र है, 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स जो है उससे पहले जो है वो उनकी फौतगी हो जाती है। तो ये बेसिकली ये चीजें जो है ना, प्रेगनेंसी रिलेटेड और इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये बेसिक हमारे वो बताती हैं कि हेल्थ के जो है वो बेंचमार्क जो है वो क्या है किसी कंट्री में। आपके हर 20 मिनट में एक औरत जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज में शी लूजेस हर लाइफ, और तकरीबन 15,000 जो खवातीन हैं वो सालाना जो है वो मौत का शिकार हो जाती हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान। ये सरकारी आदादोशुमार है, ये जो निचली है, ऊपर वाली जो है वो गैर सरकारी है। और ये बड़ा अलार्मिंग है कि बैकलॉग जो है हमारा 2 मिलियन के करीब सर्जरी का वो पाकिस्तान में पेंडिंग है। हंगर में जो है वो पाकिस्तान में, हंगर पहले 92 नंबर पे था और अब लेटेस्ट जो है वो पाकिस्तान 102 नंबर पे है। ठीक हो गया, पाकिस्तान 102 नंबर पे है हंगर में। और मैं परसों ही चेक कर रहा था तो 22% लोग जो हैं पाकिस्तान में वो बिलो द पॉवर्टी जो है, बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है वो 22% के करीब लोग जो हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस आप देखें, टीबी अगर इसी शरह से पाकिस्तान में, हालांकि ये काबिल इलाज मर्ज है, तो आपके तकरीबन जो है ये पांच जो टॉप कंट्रीज हैं हाईली प्रोन, उसमें जो है ये जो पाकिस्तान का शुमार हो सकता है। और कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये तकरीबन 40,000 लोगों का, 40,000 औरतें जो है उनकी सालाना मौत हो रही है। और एक और आदादोशुमार के मुताबिक 83,000 औरतें जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से उनकी फौतगी हो रही है। अगेन ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, इनका ज्यादातर काम जो है वो अवेयरनेस और प्रिवेंटिव जो एक मॉड है सोसाइटी में, और सोसाइटी का जो रोल है, इन सबसे एक बात हमें ये भी पता लगती है कि हम बहुत जेंडर बायस्ड लोग हैं। वी आर नॉट पोजेसिव अबाउट, वैसे ही पोजेसिव नहीं है हेल्थ के बारे में, लेकिन फीमेल हेल्थ, जिस तरह फीमेल एजुकेशन इज नॉट द प्रायोरिटी एरिया, सो इसी तरह हेल्थ में खवातीन की जो हेल्थ है दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रायोरिटी एरिया। डायबिटीज जो है 7 मिलियन के करीब जो है, यानी डायबिटीज का जो मामला है वो 7 मिलियन जो है, 7 मिलियन के करीब जो है वो डायबिटीज के मरीज हैं पाकिस्तान में। और अगर यही ट्रेंड रहा तो पाकिस्तान 5 टॉप जो कंट्रीज हैं डायबिटीज अफेक्टेड, उसमें इसका शुमार जो है वो होगा अगले चंद सालों में। इसका ताल्लुक भी जो आपको पता है, इसका ताल्लुक भी उससे है, लाइफस्टाइल से है, डाइट से है। ठीक हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज सारी चीजें जो है वो इसमें शामिल हैं। और देन
एच आई वी एड्स जो है वो उसमें कोई आधे मरीज जो है, वैसे कल मुझे कोई बता रहा था कि ये लेटेस्ट जो आधा दुश्मन है ये 2 लाख के करीब है। तो इसमें से भी आपको बताना ही है कि सिंध में जो मरीज हैं वो आधे तो सिंध में ही आशो हो रहे हैं। इससे ये पता लगता है हमें कि वहां कदरे ओपननेस है और इसको कम अज कम रिपोर्ट तो कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू सीक द मेडिकेशन एज वेल। हाइपरटेंशन 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो ये भी बहुत बड़ी तादाद है कि 20% लोग जो हैं वो हाइपरटेंशन का शिकार हों, ब्लड प्रेशर का। अगेन डाइट, लाइफस्टाइल, वेदर, सारी चीजें जो हैं, स्ट्रेस, एस्थमा 7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी अलार्मिंग के हमारे जो असल इशू क्या है कि 7% अगर है आबादी में तो ये बेसिकली एनवायरमेंटल इशू है। डायरिया, अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि 3 लाख के करीब जो है वो बच्चे, उनकी फौतगी हो जाती है उनके हर साल, और ये बच्चे जो है वो ऑब्वियसली बचाए जा सकते थे, ये बचाए जा सकते हैं कि डायरिया जो है कि पेट के जो मर्ज हैं दस्त के, उससे जो है वो कैसे बचाया जाए, माओ को कैसे एजुकेट किया जाए, कैसे उनको जो है नीट क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो कैसे दिया जाए, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। और ये भी मैंने लेटेस्ट ऐड किया इसमें कि ये जो 3.1 बिलियन जो पाकिस्तान में 3.1 बिलियन जो है आपके मेडिसिन की इंपोर्ट की कॉस्ट है, बहुत बड़ी कॉस्ट है। और वी नीड टू, इसमें हम ये कर सकते हैं कि लोकल लेवल पे दवाएं जो हैं उसको कैसे लोकल लेवल पे जो है वो दवाएं जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक हो गया, और इसके इंपोर्ट को जो है वो कैसे डिस्करेज करें। कुछ बातें मैं आपको पॉपुलेशन के हवाले से बता दूं। 1947 में जो है, 1947 में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 36 मिलियन थी, और अभी इस मर्दमशुमारी से पहले पॉपुलेशन का जो एस्टिमेशन था 220 मिलियन था, अब तो आपको पता है कि 241 मिलियन आबादी है। और अगर इसी ग्रोथ रेट से पाकिस्तान की आबादी बढ़ती रही तो अगले 26 वर्षों में पाकिस्तान की आबादी में 109 मिलियन आबादी का इजाफा हो जाएगा, यानी ये 350 मिलियन हो जाएगी। अभी आप देखें कि पाकिस्तान में जो मेजर मसले आ रहे हैं वो हेल्थ है या एजुकेशन है या रैपिड अर्बनाइजेशन है, कोई भी मसला है आपका, बुनियादी तौर पे उसका ताल्लुक जो है ये बेहंगम पॉपुलेशन बढ़ने से है। और मैंने अभी पीछे आपको बताया था मॉर्टेलिटी रेट जो है कि 1000 जो लाइव बर्थ हो रही है इस आदाद शुमार के मुताबिक, उनमें से 40 जो हैं वो इब्तदाई 28 दिनों में जो है वो फौत हो जाते हैं। तो ये हम अगेन एट जिससे बहुत बैड रिपोर्टिंग सिनारियों में आते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है उसकी एक बुनियादी वजह पाकिस्तान में फैक्टर जो है वो री यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस है, और पाकिस्तान में जो रिसर्च के मुताबिक हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजेक्शंस इन द वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान में वो दिए जाते हैं, जो तकरीबन 8-10 इंजेक्शंस है पर पर्सन, 8-10 इंजेक्शंस पर पर्सन, 8-10 इंजेक्शंस पर पर्सन। दिस इज ऑन अ वेरी हायर साइड पे है, ठीक हो गया, दिस इज ऑन
ऑन अ वेरी हायर साइड पे है, ठीक हो गया, दिस इज ऑन हायर साइड और ये हायर साइड पे है, ठीक हो गया। अब इसमें से कहते हैं कि 94% जो है, तो अगर 8 से 10 हो तो 94% कितनी बन जाएगी, अगर 10 इंजेक्शन है तो इसका मतलब है कि हार्डली एक इंजेक्शन जो है वो दरकार था और 9 जो है उसकी जरूरत नहीं थी। तो ये पाकिस्तान में, अब तो दुनिया में इंजेक्शन जो है वो डिस्कार्ड हो गए हैं, लोग इंजेक्शन अमूमन नहीं लगाते या लगवाते। तो ये हेपेटाइटिस सी की जो एक बड़ा फैक्टर है वो ये है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है दैट इज 67.7% ईयर्स है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो नंबर है जो जिंदगी की तवालत के हवाले से, उसमें हमारा 149th नंबर है जिंदगी की जो तवालत है, और कई अफ्रीकन कंट्रीज से जो है वो हमारा जो है वो रेटिंग जो है दैट्स उनकी जो है वो हमसे बेहतर है। आखिरी बात मैं इस टॉपिक की, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा पॉवर्टी के बारे में भी एक आधी स्लाइड में मैं आपको समझा दूं कि पॉवर्टी जो है इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, ये गोल नंबर 1 था, अब तो SDGs आ गए हैं, तो आप जरा देख लीजिएगा, MDGs भी देख लीजिएगा और SDGs भी देख लीजिएगा, और उसमें क्या गोल है, और पाकिस्तान की इंटरनेट पे आप जाइएगा और इंटरनेट पे आप लिखिएगा कि पाकिस्तान पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज, ठीक हो गया, और अबाउट स्ट्रेटजी या उसकी जो स्ट्रेटजी आप कह लें या उसकी जो स्ट्रेटजी या उसके जो गोल्स हैं हमारे, कि कैसे हमने जो है वो गुर्बत को कैसे कम जो है वो कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिड्यूस जो है पॉवर्टी जो है वो कैसे जो है वो रिड्यूस जो है वो कैसे किया जाए। पॉवर्टी को पहले मैंने डिफाइन किया हुआ है कि ठीक हो गया, वी डिफाइन पॉवर्टी कि पॉवर्टी जो है बेसिकली उसको आप कोई भी सेंस मीनिंग्स डिक्शनरी मैंने कह ली है, द स्टेट ऑफ बीइंग इंफीरियर इन क्वालिटी और इनसफिशिएंट इन अमाउंट, जो भी आपको जो है वो नजर आए तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक हो गया। और फिर पाकिस्तान में एक पॉलिसी के लेवल पे अगर आप जाते हैं तो पॉलिसी के लेवल पे अगर आप जाएं तो उसमें विजन 2025 है पाकिस्तान, जो पॉवर्टी को कैसे जो है उसमें रिडक्शन जो है वो कैसे करनी है, हाउ टू रिड्यूस, तो आप इसको भी जो है इसके पिलर्स चेक कर सकते हैं, चेक इट्स पिलर इन इंटरनेट। पॉवर्टी के हवाले से आप सुनते रहते हैं, आप सब मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स हैं, सोशल प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं जिसमें बैतुल माल है, माइक्रो फाइनेंस है, बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, NDA में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, सिटीजंस डैमेजेस कॉम्पनसेशन प्रोग्राम है, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, ज़कात है, सोशल हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास जो है, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मोर देन 2 dozen प्रोग्राम्स, ये सोशल सेफ्टी नेट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो क्या हमारे पास जो है गुर्बत क्यों हमारे यहाँ जो है वो वाई इट इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड्स, तो उसकी असल वजह क्या है। एक तो वजह जो समझ आती है वो ये है, डिपेंडेंस कल्चर है कि लोग जो है वो डिपेंडेंट हैं
इसके ऊपर पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन दी इस ये बेनजीर भुट्टो कपड़ों का कार्ड और एहसास और ज़कात और इस तरह के. तो व्हेन यू आर नॉट प्रमोटिंग स्किल्स और जब आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती एंड यू वांट टू टेक पॉलिटिकल एडवांटेज, जब आप पॉलिटिकल एडवांटेज जो है वो इससे लेंगे, इस तरह के प्रोग्राम से आप पॉलिटिकल एडवांटेजेस लेंगे, तो पॉलिटिकल एडवांटेजेस जब आप लेंगे तो फिर पॉलिटिक्स को आप करेंगे लेकिन वोट आपको शायद मिल जाएगा, लेकिन आप पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं करेंगे बल्कि पॉवर्टी को जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे. तो पॉवर्टी इन, अब आप सब्सिडीज देख लें, यूटिलिटी स्टोर्स का आप गूगल कर लें तो यूटिलिटी स्टोर्स के बड़े स्कैम्स हैं, फ्रॉड्स हैं, ठीक हो गया, स्कैम्स हैं उसके बड़े फ्रॉड्स हैं, ठीक हो गया. यूटिलिटी स्टोर के जो मामलात हैं ना वो यही हैं कि यूटिलिटी स्टोर जो हैं उसमें यूटिलिटी स्टोर जो है उसके सब्सिडाइज आप उसमें फूड आइटम्स दे रहे हैं लेकिन उसमें कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ लोगों तक वो सब्सिडी पहुंचती नहीं. इसी तरह ज़कात देख लें, वो अगर आप पॉलिटिकल मोटिवेशन पे तकसीम करेंगे, बेशक आप ऑनेस्टी के साथ करें, तो जब तक हम स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे और लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे कि वो लोग के जो बिल्कुल माजूर हैं, बूढ़े हैं और पर्दादार खातून है वो काम नहीं कर सकती, तो बाकी या बच्चे हैं, यतीम हैं, बाकी तो ये जो हेल्दी लोग हैं उनको तो ये चीज नहीं देनी चाहिए, ये इस तरह के फिक्स पैसों का आदि नहीं बनाना चाहिए उनको. दे नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट और इसी पैसों से आप स्किल डेवलपमेंट पे पैसा लगे. देन आर्टिकल 37 आप चले जाएं तो वो क्या कहता है कि एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो स्टेट जो है बैकवर्ड पीपल के वो प्रमोट करेगी और इससे जो है वो हम फिर इसको जो है वो रिड्यूस करेंगे, ठीक हो गया. सो वील रिड्यूस दैट और अच्छा जी फिर आज जनाब आर्टिकल 25 ए 25A जो है वो आइन का 25A क्या कहता है कि वो राइट टू एजुकेशन. आप कहेंगे किसका क्या ताल्लुक है, तालीम का और गुर्बत में कमी का क्या ताल्लुक है. इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है, ठीक हो गया. इफ समवन इज अगर कोई आप देखें कि इफ समवन इज लाइक अगर किसी शख्स को आप एजुकेट कर दे 5 से 16 साल का और उसको और तालीम दे दें तो वो भीख तो नहीं मांगेगा. ऑब्वियसली ही और शी विल कंट्रीब्यूट समथिंग. 5 से 16 साल का बच्चा जो है, 16 साल का बच्चा मीन के वो 12 जमातें पढ़ चुका होगा, 11, 12 लाजमन पढ़ लेगा, ठीक है. तो इसका मतलब है कि वो कम से कम किसी जगह ड्राइवर होगा, कोई स्किल्ड वर्कर होगा, किसी जगह कोई रिकॉर्ड कीपर होगा, किसी का स्टोर कीपर होगा. ही विल बी लाइक contributing something, वो कुछ तो जो है वो contribute करेगा. So education is basically a key to reduce the poverty in any society. 38 में आप देखेंगे, article 38 को देख लें, promotion of socio-economic well-being of the people. Promotion of the socio-economic well-being of the people. तो ये भी बहुत important है कि सोशो इकोनॉमिक वेलबींग लोगों की कैसे की जाए. और उसमें अगर ये रेड पार्ट आप सिर्फ नोट कर ले आर्टिकल 38 और फिर ये रेड पार्ट जो है अगर आप पढ़े कि प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ फॉर ऑल सच सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड और रेस एज are permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of infirmity, sickness or unemployment. ये रियासत ने जिम्मेदारी ली हुई और रियासत की ही जिम्मेदारी है, ये वर्ड मैप है, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ठीक हो गया. दिस इज द जॉब ऑफ द
स्टेट स्टेट की जो है ये जिम्मेदारी है, ठीक हो गया, कि वो इसको एड्रेस करे। अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारा है। अगर आप इससे बेटे इमेज लेना चाहते हैं तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप इमेज जो है इसकी, ये जो रीडिंग्स हैं इसकी इमेज अगर आप ले लें तो आपको इससे, जो लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा कर लें, तो काइंडली इसका एक इमेज अपना जो है वो बना लें, ठीक हो गया। इसका इमेज काइंडली जो है वो आप वो बना लें, ठीक हो गया। ये मैं शेयर करूंगा बेटे, में मेरी इसमें एडिटिंग रहती है तो मैं इसको अभी नहीं शेयर कर सकता, और आई एम वर्किंग ऑन इट, सो टाइम मेरे पास होता नहीं है। तो यू जस्ट ये जो रेफरेंसेस हैं इसके पेंटिंग्स को आप कर लें, और जब एडिट हो जाएगी तो आई विल शेयर इट विद नवीन साहब, तो वो मिल जाएगी आपको, ठीक हो गया। इसका इमेज बेटे बना लें, जब बन जाए तो मुझे बता दें ताकि मैं आपको नया टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस कर दूं। रेफरेंसेस आप जो है वो इसके कुछ एजुकेशन